अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद खान है और आज हम F5 101 का सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 1 में हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो सर्टिफिकेशन रोड मैप के बारे में, एग्ज़ाम डिटेल्स और F5 टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे एज पर कोर्स आउटलाइन। सो टुडे जो है वी विल डिस्कस अबाउट OSI मॉडल। हम जो है OSI मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी डिफरेंट लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। OSI जो है स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI जो है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है और इट वाज डेवलप्ड इन 1984। OSI बेसिकली कम्युनिकेशंस को जो है 7 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है कि लेट्स सपोज होस्ट ए को अगर होस्ट बी से कम्युनिकेट करना है तो वो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो जो है हमने डिवाइड कर दिए 7 लेयर्स में। ठीक है, अब OSI बनाया क्यों गया? OSI बनाने का मकसद ये था कि तमाम कंपनीज जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, क्योंकि वजह ये थी कि इससे पहले OSI मॉडल से पहले होता यह था कि एप्पल्स के कंप्यूटर जो थे वो सिर्फ एप्पल से बात करते थे, नोटल के कंप्यूटर सिर्फ नोटल से बात करते थे। तो हर कंपनी का अपना एक स्टैंडर्ड होता था, तो काफ़ी मुश्किलात होती थी आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, तो बात नहीं कर पाते थे। तो ये बनाने का मकसद था OSI मॉडल का। OSI मॉडल का एक दूसरा मकसद ये भी है कि आप इसे अगर एज अ ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लेके चल सकते हैं। फर्स्ट करें अगर किसी नेटवर्क में प्रॉब्लम आई है तो आप OSI लेयर को फॉलो करके भी नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। आप एक छोटी सी मिसाल है, फर्स्ट करें आप पिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने गेटवे को, तो सबसे पहले आप क्या कौन सी लेयर चेक करेंगे? सबसे पहले आप फिजिकल लेयर को चेक करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे केबल मेरी फॉल्टी तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप चेक करेंगे अपनी डेटा लिंक लेयर, स्विचिंग लेयर, आप ये चेक करेंगे यार मेरा जो स्विच है या मेरा जो नेटवर्क एडॉप्टर है वो कोई प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। देन उसके बाद आप नेटवर्क लेयर पर जाएंगे, ठीक है। तो OSI मॉडल जो है वो ट्रबल शूटिंग के लिए भी आप उसको रेफरेंस बना सकते हैं। तो आए हम OSI लेयर्स की बारे में, OSI लेयर्स के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। OSI की 7 लेयर्स है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। अगर आपको याद रखना है, याद रखना मुश्किल हो रहा है, तो आप जो है किस तरह याद कर सकते हैं? प्लीज़ डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड एनीवन। तो अगर आप हर वर्ड का पहला करेक्टर अगर आप ले लें तो आपको याद हो जाएगा। P4 फिजिकल, D4 डेटा लिंक, N4 नेटवर्क, T4 ट्रांसपोर्ट, S4 सेशन, P4 प्रेजेंटेशन, A4 एप्लीकेशन। तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सेंटेंस याद रखा, प्लीज़ डू नॉट टेल सीक्रेट पासवर्ड टू एनीवन। एप्लीकेशन लेयर जो है वो यूज़र को इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है डेटा सेंड करने के लिए, जैसा कि आप HTTP यूज़ करते हैं, कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, आप जो है कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो इट बिलोंग्स टू एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? डेटा को ट्रांसलेट करना, डेटा को इनक्रिप्ट करना, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। सेशन लेयर जो है वो आपका डेटा, आपका जो है वो सेशंस को मैनेज करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट, नाम ही इसका ट्रांसपोर्ट है, तो ये डेटा की डिलीवरी के लिए होती है और इसमें दो प्रोटोकॉल जो है वो मेनली काम कर रहे होते हैं, विच इज़ TCP एंड UDP। नेटवर्क लेयर क्या कर रही है? नेटवर्क लेयर जो है वो आपके डेटा को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव कर रही होती है ऑन बिहाफ ऑफ IP एड्रेसेस। इसी तरह नेटवर्क लेयर जो है डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ की सिलेक्शन भी नेटवर्क लेयर ही कर रही होती है। डेटा लिंक का काम क्या है? डेटा लिंक का काम स्विचिंग करना है और सबसे इम्पोर्टेंट काम डेटा लिंक लेयर का एरर फ्री ट्रांसफर प्रोवाइड करती है डेटा लिंक लेयर। यानी कि डेटा लिंक लेयर का सबसे मेन पार्ट क्या है? डेटा की एरर डिटेक्शन। FCS के थ्रू जो है हम वो डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्शन करते हैं। ये एक कोड जनरेट करता है सेंडर साइड पे और वही सेंडर साइड का कोड जो है वो रिसीवर एंड पर जाके FCS एल्गोरिथम्स के थ्रू जो है वो डेटा लिंक की एरर डिटेक्शन होती है। सिमिलरली इसी तरह फिजिकल लेयर जो है वो हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। OSI जो है वो एक थ्योरेटिकल मॉडल है,
और इसे समझने के लिए मैंने एक ह्यूमन वर्डिंग में जो एक एनालॉजी बनाई है, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। लेट सपोज के लेयर 7 जो है वो आपका एक सीईओ है, और सीईओ को जो है वो एक लेटर सेंड करना है दूसरे कंपनी के सीईओ को जो कि दुबई में रहता है। लेकिन दुबई वाला सीईओ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अरबिक जानता है, उसे इंग्लिश के बारे में और दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में कुछ नहीं पता। तो कंपनी ए के सीईओ ने जो है वो लेटर टाइप किया, और उस कंपनी के सीईओ ने लेटर जो है अपने एम्प्लॉय माजिद को दे दिया। माजिद जो है वो लेयर 6 है। माजिद ने जब लेटर अपने सीईओ से रिसीव किया तो उससे उस लेटर को माजिद ने अरबिक में ट्रांसलेट किया। तो ये आपकी हो गई डेटा इनकोडिंग हो गई, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन लेने का काम क्या है, डेटा इनकोड करना। इसी तरह जाहिद जो है यहाँ पर समझ लें कि लेयर 5th लेयर है, तो माजिद ने क्या किया, लेटर जाहिद को दिया और जाहिद ने वो लेटर एनवलप में डाल के मेल रूम को दे दिया। अब मेल रूम जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। जाहिद ने मेल रूम को बताया, मेल रूम के रिप्रेजेंटेटिव को ये भी बताया कि डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही नीड टू सेंड विद फास्ट सर्विसेज। अब पाकिस्तान में जो सबसे फास्ट सर्विसेज हैं वो आपको पता है कि DHL हो गया या तो TSS हो गया। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ऑफिस से डेटा को सेंड करेंगे तो वो रिलायबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इन समरी रिलायबल नहीं है। तो डेटा इंपॉर्टेंट भी था और फास्ट भी सेंड करना था, तो इस वजह से मेल रूम के रिप्रेजेंटेटिव ने यह डिसाइड किया कि वो डेटा को DHL के थ्रू सेंड करेंगे। तो DHL जो है वो ये समझ लें कि नेटवर्क लेयर है। अब DHL ने जब एनवलप को रिसीव किया तो जितने भी कॉरियर कंपनीज होती हैं वो अपनी उनके अपने जो है ना वो रूट्स होते हैं, तो उस रूट्स को डिफाइन करने के लिए उनकी अपनी एड्रेसिंग स्कीम्स होती है। तो उसने क्या किया, रूट्स को डिफाइन करने के लिए अपने तरीके से उसको हैंडल करने के लिए DHL वालों ने उस पर सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP ऐड कर दी, अपना एनवलप लगा के उसके ऊपर सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP ऐड कर दी। तो ये आपकी हो गई एनकैप्सुलेशन, यानी कि हेडर ऐड किया किसने, DHL ने। देन जब DHL ने अपना हेडर डाला तो उस एनवलप को अपने वर्कर को दे दिया ताकि वो लोड कर सके एयरप्लेन की तरफ। अच्छा, वर्कर के पास पहुंचा जो कि डेटा लिंक लेयर है। वर्कर ने क्या किया, उसके ऊपर एक टैग लगाया दुबई कोड का टैग लगाया, उसे सील्ड कर दिया ताकि कोई भी इसे मैनिपुलेट ना कर सके या डेटा करप्ट ना हो सके। और टैग लगाने के बाद उसने लोड कर दिया जहाज के ऊपर। अब प्लेन जो है वो हमारी फिजिकल लेयर है, एक मीडियम है, तो उसने जैसा कि प्लेन की तरफ लोड कर दिया था, तो प्लेन जब फ्लाई किया दुबई की तरफ तो क्या हुआ, सेंडर साइड से तमाम के तमाम काम हो गए। अब रिसीवर एंड पे देखते हैं क्या होता है। रिसीवर एंड पे अब देखें, सेंडर साइड पे जो है वो आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई एप्लीकेशन लेयर से, यानी कि सेवेंथ लेयर से जो है आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, राइट, यानी कि एप्लीकेशन लेयर देन प्रेजेंटेशन। लेकिन रिसीवर एंड पे जो है वो आपकी कम्युनिकेशन उल्टी लेयर से होगी, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से होगी। तो जब जहाज जो है वो लैंड किया तो सेकेंड लेयर कौन था, वर्कर। उसने क्या किया, बॉक्स को अनलोड किया, ठीक है, बॉक्स को उसने अनलोड कर दिया और दुबई ऑफिस की तरफ उसने जो DHL का जो एनवलप था उसने दुबई ऑफिस की तरफ रवाना कर दिया। अब जब DHL ऑफिस के पास पहुंचा जो कि नेटवर्क लेयर है, उसने देखा कि अच्छा ये सोर्स IP है, ये डेस्टिनेशन IP है, तो उसने देखा कि अच्छा ये जो है मेरा जो एनवलप है, ये जो पार्सल आया है, ये शेख जायद रोड पर डिलीवर होगा। तो उसने क्या किया, उस पार्सल को शेख जायद रोड की तरफ रवाना कर दिया जो कि डेस्टिनेशन थी। तो फोर्थ लेयर पे जब पहुंचा मेल रूम में तो उसने क्या किया, इनर एनवलप को कोरियर एनवलप से रिमूव किया, ठीक है, हेडर को रिमूव कर रहे हैं अभी, यानी कि आप यहां पर समझने की कोशिश करें कि सेंडर साइड पे हेडर इन ऐड हो रहा था, यानी कि डेटा इनकैप्सुलेट हो रहा था, लेकिन रिसीवर एंड पर क्या हो रहा है, डेटा हेडर जो है वो डी इनकैप्सुलेट हो रहा है। अच्छा, तो मेल रूम रिप्रेजेंटेटिव ने जो DHL का एनवलप था उसको रिमूव करके
एक्चुअल एनवलप जो है वो अपने सीईओ के असिस्टेंट को दे दिया। सीईओ के असिस्टेंट ने क्या किया, उस लेटर को एनवलप से रिमूव किया। रिमूव करने के बाद सिक्स लेयर को दे दिया, जो कि असिस्टेंट ने उस लेटर को रीड किया और डिसाइड किया कि ये लेटर जो है वो मुझे सीईओ को देना है। तो सेवेंथ लेयर पे जब पहुंचा तो सिर्फ और सिर्फ आपका लेटर पहुंचा। तो उसने क्या किया, लेटर ने सीईओ ने क्या किया, लेटर को रिसीव किया और पूरा का पूरा पढ़ भी लिया। तो इस तरह से ये आपका ओएसआई जो है लेयर वाइज काम कर रहा होता है। आई होप कि आपको ये ह्यूमन वर्डिंग जो है वो समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं ओएसआई और टीसीपीआईपी मॉडल की कंपैरिजन। ओएसआई मॉडल जो है वो ज्यादा थ्योरेटिकल मॉडल है, लेकिन प्रैक्टिकल मॉडल जो है जिसे हम प्रैक्टिकल मॉडल कहते हैं वो टीसीपीआईपी मॉडल है। ओएसआई मॉडल की जो शुरू की तीन लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, वो टीसीपीआईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर कहलाती है। यानी कि तीन लेयर्स को मर्ज करके टीसीपीआईपी मॉडल में वो एप्लीकेशन लेयर कहलाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर ही कहलाती है टीसीपीआईपी मॉडल में। आपकी नेटवर्क लेयर ही कहलाती है। और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर जो है वो ओएसआई मॉडल की, उसे मर्ज कर दिया गया है टीसीपीआईपी मॉडल में फिजिकल लेयर से। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल में सात लेयर्स होती हैं और टीसीपीआईपी मॉडल में चार लेयर्स होती हैं। अगर आप प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स की बात करें तो जो आपकी अपर लेयर है एप्लीकेशन लेयर, उसमें जो है आपका डेटा जो है वो डेटा ही कहलाता है। अगर डेटा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो तो या तो उसे हम सेगमेंट कहते हैं या तो डेटाग्राम कहते हैं। नेटवर्क लेयर में आपका डेटा जो है वो पैकेट्स कहलाता है। इसी तरह डेटा लिंक लेयर में आपका डेटा फ्रेम्स कहलाता है और फिजिकल लेयर में आपका डेटा जो है वो बिट स्ट्रीम कहलाता है। अब हम डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से डिवाइसेस जो है वो किस लेयर से बिलोंग करते हैं। आपकी केबल्स, जितनी भी केबल्स हैं, आपकी फाइबर केबल्स है, इथरनेट केबल है, डीएसएल है, ये तमाम की तमाम केबल्स जो है वो फिजिकल लेयर से बिलोंग करती हैं। और आपका हब जो है, जो कि इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, वो भी आपका फिजिकल लेयर से बिलोंग करता है। डेटा लिंक लेयर में आपके स्विचिंग पार्ट है, जितने भी लेयर टू स्विचेज हैं वो आपके डेटा लिंक लेयर से बिलोंग करते हैं। और राउटर्स जो है वो लेयर थ्री डिवाइस है, तो आपका राउटिंग जो बेस्ट रूट्स जो है वो सिलेक्शन कर रहा होता है, तो ये आपकी नेटवर्क लेयर से बिलोंग करता है। जो ट्रेडिशनल लोड बैलेंसर थे और हैं अभी भी, वो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर से बिलोंग करते हैं। इसी तरह एप्लीकेशन फायरवॉल्स, प्रॉक्सीज, SSL VPN, आपका POP, आपका DNS, इसी तरह HTTP, FTP, SNMP, तो ये तमाम के तमाम जो है वो अपर लेयर यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, लेक्चर रिव्यूज में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ शेयर किए हैं। कि पहला क्वेश्चन, जिस तरह व्हाट ओएसआई लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग एंड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो अब आप ये मुझे बताएंगे कमेंट में कि कौन सी लेयर है जो कि लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और व्हाट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट इज यूज्ड इन डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में PDU जो है वो कौन सा यूज किया जाता है, या तो सेगमेंट या मैसेज फ्रेम या डेटाग्राम, ये आपको मुझे कमेंट में जरूर बताना है। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।